मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को रायपुर स्थित अपने निवास में स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में आयोजित वसुंधरा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत और राम सुंदर दास, राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, पद्मश्री ममता चंद्राकर एवं पूर्व में वसुंधरा सम्मान से सम्मानित सदस्य शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने लोक जागरण के लिए वरिष्ठ पत्रकार लेखक सुधीर सक्सेना को प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल भेंट कर वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया। आदरणीय साथियों, पत्रकारों से तो हम लोग रोज बात कर लेते हैं, रोज अपनी बात सुनाते रहते हैं, क्योंकि खबर में बने रहना है। यदि खबर में ना बने रहें तो लोग भूल जाते हैं कि आदमी जिंदा है या नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि पत्रकारों से रोज़ बात करते रहो। लेकिन सोच रहा था कि आज तो पत्रकार नहीं बल्कि ये तो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, इतिहासकार हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, इसके बीच में अपनी बात कैसे रखूँगा। अच्छा हुआ प्रकृति ने साथ दे दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैं ही सुन रहा हूँ, सामने इतने ज़ोर से बारिश हो रही कुछ सुन भी नहीं पा रहा। कठिन विधा है, उसमें भावना के विचार डालना उससे भी कठिन है, लेकिन समाज में जो दिखावटीपन है, बनावटीपन है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। हमारे यहाँ सहजता है, सरलता है, विनम्रता है, प्रेम है, भाईचारा है, और ये सहजता सरलता, सहज होना सरल होना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। कबीर जी ने भी सरलता की बात कही, गुरु घासीदास जी ने सरलता की बात कही, गांधी जी ने सरलता की बात कही, और सरलता पूर्वक यदि जीवन जिया है तो कीर्ति शेष देवी प्रसाद चौबे ने। तो सहज और सरल होना आसान नहीं है। आलोचक भले कितना सक्षम हो, सुन जिसकी आलोचना हुई हो वो कितना भी कमजोर हो, भले सामने में प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में वो बात रह जाती है, और कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक के वो बातें स्मृति में बनी रहती है और वो सालती रहती है। ऐसे समय में किसी व्यक्ति को गोली मार दे और उसके प्रतिक्रिया में हे राम निकले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो शब्द तितिक्षा है उसका पराकाष्ठा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, उसके सामने मैं तितिक्षा शब्द के को व्याख्या करूँ उचित नहीं है। लेकिन हमारे संतों ने, ऋषियों ने तितिक्षा की बात कही, यदि सामने वाला आलोचना भी कर दे, कठोर शब्द कह दे, आप पे हमला भी कर दे, तो आपके मन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये छोटा मोटा अभ्यास नहीं। और गांधी जी ने कितना अभ्यास किया होगा तब जाके हे राम निकला होगा। तो सत्य को परखना भी कोई आसान काम नहीं है। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वही सत्य नहीं है। जो सामने वाला देख रहा है, सामने वाला जो सोच रहा है, सामने वाला जो सुन रहा है, वो भी सत्य हो सकता है। और सत्य को सत्य के बारीकी में जाएंगे तो फिर जो गांधी जी ने कहा कि सत्य के जो खोज है या सत्य के प्रयोग हैं उसके बारे में उन्होंने कही, तो हर व्यक्ति के अपने सच हैं और उस सच के साथ ही जीवन व्यतीत करता है। लेकिन आजकल जो सच दिखाई जा रहा है, सच जो सुनाया जा रहा है, वो समाज के लिए कतई उचित नहीं है। ऐसे में जो बुद्धिजीवी तबका है, वो लोग तो संगठित हैं, उन लोगों को आजकल बड़े बड़े कंपनियां खुल गई है जिससे उसे सैलरी मिल जाती है कि आप दिवाकर मुक्ति बोध को मेल खोलते हैं, उसमें दूसरे प्रकार के कमेंट देखते हैं, तो समझ आ जाता है ये किस विचारधारा के हैं, ये भक्त श्रेणी के हैं कि गोदी के हैं कि किसके हैं, वो सब समझ आ जाता है। तो जब आपके आपकी जो पहचान है अलग है, आपके कार्य अलग है, तो फिर जब आपके कार्य और विचार
अलग अलग होंगे तो आपकी प्रतिष्ठा कैसी होगी समाज में, ये समझा जा सकता है। तो बादल जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं आपका भी धन्यवाद करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आदरणीय चौबे जी को नमन करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।